Now students, this is the next problem. The mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the Earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 km, calculate the force exerted by the Earth on the moon. Earth है और एक moon है, दोनों के बीच की आपको distance given है 3.84, दोनों के masses given है, Earth का mass और moon का mass given है आपको, ठीक है? तो आपको ये find out करना है कि Earth और moon के बीच में कितनी force act कर रही है, ठीक है? तो इसको चलिए solve करते हैं। तो M1 mass is 6 into 10 to the power 24 kg. पहले numericals में जो भी data given है उसको आप note down करते जाइए. 24 kg और दोनों के बीच की जो distance है वो है 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीटर में चेंज हो जाएगा. और कैलकुलेट द फोर्स, तो जी की वैल्यू आपको गिवन है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है? तो ये डेटा दिया है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इज इक्वल टू कैप्टन जी, पहले फॉर्मूला ले लीजिए, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट अप करिए और आंसर हमेशा ऐसा यूनिट के टर्म्स में निकल गया. तो g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24, m2 मास 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय r, r कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 और 10 10 टू द पावर 3, बेसिस सेम पावर साइड है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है? स्क्वायर. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6.7 इनटू 6 इनटू 7.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 प्लस 23. ये आपको मालूम है बेसिस सेम होती तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 3.84 का स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर 16. अब 11 24 और 22 24 और 22 कितना हो गया 46. 46 माइनस 11 कितना हो गया 35. तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, ठीक है? ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 16, ठीक है? ये माइनस 16 हो जाएगा. ओके, क्लियर? प्लस है, ठीक है? प्लस 35, ये प्लस 46 से माइनस 11, तो ये प्लस 35, ठीक है? तो प्लस 35 माइनस 16 हो जाएगा. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द मून एंड द अर्थ.